Thank you, ladies and gentlemen. My name is Harpriya Baines, and I'm a mother of four. Oh. One dog, two daughters, and a husband. माँ के लिए हर बच्चा बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए मेरा फेवरेट है मेरा कुत्ता कोको. क्या है ना, सबसे इंटेलिजेंट वही निकला. 3 महीने में फुली ट्रेन हो गया और अब 20 सेकंड में मेरी हर बात मानता है. और बाकी 3 20 साल हो गए हैं, अभी तक तौलिया बिस्तरे पर पड़ा है. 20,000 आवाजों में भी नहीं सुनते, या मुझे लगता है सुनना चाहते नहीं है. आई थिंक समटाइम्स यू नो हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आफ्टर फ्यू ईयर्स बिकम लाइक वो मेरी दादी के जमाने की जो सास होती थी ना, हु वुड प्रिटेंड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग मगर काम की बात सारी सुन लेती थी. तो उनको धीरे से बोलो ना कि बीजी मैं तुम्हें आवाज मारी सी, तुसी गैस नहीं बंद की, सारा दूध उबल गया है. पुत मैनू तो सुनता ही नहीं, मैं तो बोल रही हूं पुत. फिर अगर धीरे से बोलो, बीजी के सोने के कड़े देखे कितने मोटे हैं, की क्या खसमन खानी कड़िया पीछे पई है, माँ ने आई सिखा ले. आई होप यू गाइस आर ओके विद अ बिट ऑफ पंजाबी तड़का हियर एंड देयर. या या, बिकॉज यू नो पंजाबी कम्स एज नेचुरली टू मी एज गालीज कम टू पंजाबीज. सो आई एम अ फुल टाइम वर्किंग वुमन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एज CEO HNM. अ क्रिपिंग एग्जॉस्टेड ओवरवर्क्ड हाउसवाइफ एंड मदर. मुझे अपने थैंकलेस और पेलेस जॉब से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इस वर्ड हाउसवाइफ से है. बड़ा सड़ा हुआ थका हुआ वर्ड है, लाइक अ हाउस फ्लाई हाउस लिजर्ड. नो थॉट पुट इन दिस वर्ड, है ना. ये तो वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में हमारी थोड़ी सी रीब्रांडिंग होगी एंड वी गॉट अ फैंसियर नेम, यू नो होम मेकर्स. एटलीस्ट नाउ वी साउंड लाइक अ मिक्सी. Presenting the all-in-one homemakers, idli maker, roti maker, and the perfect golu-molu baby maker. Comes with a lifetime guarantee and free laundry service. Ding dong, ab nahi kamau option mein bhi. So I'm 44 years old, और जैसा कि इस उम्र में अक्सर हमारे साथ होता है, you know, we go through some kind of midlife crisis. आप लोग बड़े young लग रहे हैं, like how old are you? Oh, 20 something, अब तो midlife ही नहीं आई अभी. तो इस उम्र वालों को मैं थोड़ा explain कर दूँ कि midlife होता क्या है. So आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले वो Instagram के followers गिर गए थे? वो नहीं होता. तो क्या होता है ना, इस उम्र तक आते आते, 40 तक आते आते, जिंदगी के फॉलोअर्स गिरने लग जाते हैं. क्योंकि बाय दिस एज हमारी लाइफ का मोटो बन जाता है BMS, भाड़ में जाओ सब. हाँ, आजकल के नौजवान एक नया टर्म बड़ा यूज करते हैं, हमारी फट गई. हाँ, बात बात में बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं कि हमारी फट गई यार, मेरी फट गई. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, जो आपके 20-25 में फटती है ना, वो हमारी 40 में आके ब्लास्ट हो जाती है. क्योंकि 40 में आके हमारा रियलाइज होता है कि अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो गलतियां थी. वो आगे जब 50 होंगी तब बताऊंगी, अभी मैं अपनी बात करूं 40 वाली. तो अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो गलतियां थी, है ना. जिंदगी का सबक ही चल रहा था, पर्पस हमें ढूंढ ले. तो आपने देखा होगा अक्सर हमारी उम्र के आजकल लोग, यू नो, नौकरियां वोकरियां छोड़ के कुछ और ही नया काम करने चल फिरते हैं. इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं आई एम फाइंडिंग माई पैशन, हिंदी में कहते हैं नो मकसद ढूंढना, पंजाबी च कहने मत मारी गई. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरी भी शायद मत्ती मारेगी 40 में, व्हेन आई डिसाइडेड टू बी अ कॉमिक. पर इंडियन फैमिलीज बड़ी स्वीट होती है, यू नो, जब भी आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, है ना, दही शक्कर वगैरह खिलाते हैं, फिर सारा टब्बर मिलकर बड़े प्यार से आपकी मिट्टी पलेत करता है. हाँ, इनफैक्ट द ओनली पर्सन हु एक्चुअली गेव मी ऑल हिज सपोर्ट वाज माय हस्बैंड, और मे बी ही जस्ट गेव अप ऑन मी. ही इज लाइक, इसको तो माता आ गई है, जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी. बट मेरे बच्चे इमेजिनरी कल पैदा हुए हैं, and my daughter telling me, mama, आपको कॉमेडियन बनना है, जोक लिखना बड़ा मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है उसकी डिलीवरी. मैंने कहा बेटा तुम दोनों की डिलीवरी से तो आसानी होगा. और अभी जोक में करी हुई गलती को तो मैं सुधार भी लूं. पर सबसे ज्यादा प्यार हमेशा अपनी माँ से मिलता है. माई मदर, गल सुन, हुन तू 40 दी होके लोगों नु चुटकुले सुनाने चली है. लोगों को तो तू बड़ा हंसाने चली है, गल सुन, कर्ज तो तू सब दी भूतनी बुला के रखती है.
चलो मैरिड पीपल इन द हाउस गिव मी अ चेयर. मैरिड पीपल है नहीं कोई, एक तो हाय हाय टाइम हो गया शायद दो बस है. चलो आप तो बड़े यंग लग रहे हो, मे बी यू मेट ऑन यू नो सम डेटिंग ऐप और समथिंग ऐसे. मुझे भी किसी ने पूछा आजकल बड़े पॉपुलर हैं डेटिंग ऐप्स टिंडर, बाकी सब मुझे लग रहा है टिंडर बबल वाले लग रहे हैं यहाँ पर है ना. मुझे भी किसी ने पूछा मैम आपकी शादी कैसे हुई थी, टिंडर से? मैंने कहा नहीं टेंडर से. 20 साल पहले टिंडर नहीं था. सो मेरे पापा ने न्यूज़पेपर में ऐड निकाला था ना, मैट्रिमोनियल ऐड सुना होगा आपने, देखा न्यूज़पेपर मुझे. नहीं मैंने कहा आजकल नौजवानों को न्यूज़पेपर नहीं पता, तो मेरी बेटी को नहीं पता. उसको लगता है इसका रैपिंग पेपर जिसमें मम्मी चप्पलें लपेट के गोवा ले जाती है. वैसे आजकल हाल तो अखबार का यही है, पेपर ही अच्छा रह गया उसमें न्यूज रद्दी के बराबर रह गई. बट यू नो 20 साल पहले मेरे पापा को अखबार में से खबरें भी अच्छी मिल गई और लड़के भी. तो शादी हो गई मेरी, लड़का अच्छा निकला, लायक निकला, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि बिल्कुल क्वाइट निकला. नहीं क्वाइट तो वैसे मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती आपके सामने है, लेकिन लेकिन वो तो मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल क्वाइट ही, समझ लो म्यूट ही है. हाँ बोलता नहीं तो इतना सोच समझ के, इतना धीरे धीरे कि तब तक सरकार ही बदल जाती. उनको चिंता हो जाती है. अभी भी मेरे घर जब आती हैं तो बोलती हैं हाय हाय तेरा घर था ना होम शांति होम है, सन्नाटा ही छाया होता है, बच्चे तेरे कमरे च बड़े होंगे लैपटॉपां ते मोबाइलां ते, तो जमाई तो हमारा बहुत ही क्वाइट है, है बहुत ही क्वाइट है, बोलता ही नहीं, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कमरे में जमाई बैठा है उसकी फोटो. अच्छा तू बात बता, खुश तो है ना तू, मतलब गर्ल सुन तेरे से तो बातें कर लेता है. मैंने कहा मम्मा मैं खुशी इसलिए कोई मेरे से बातें नहीं करता. आई एम वेरी हैप्पी इन माय डोमेस्टिक साइलेंस. है ना, और भी बड़ी अच्छी क्वालिटीज है उसमें, बिल्कुल प्योर ब्रीड का रॉयल इंडियन हस्बैंड है, जिसका फेवरेट काम है ईटिंग स्लीपिंग एंड मेटिंग इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर एनी टाइम एनीवेयर. वैसे बंदे जितने मर्जी हट्टे कट्टे गबरू जवान हो जाएं, व्हाई आर देयर हार्मोन स्टक एट 14? और इस बात का सबूत है द वाहियात कंटेंट ऑन देयर बॉयज ओनली व्हाट्सएप ग्रुप्स. सो एनीवेज, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लेन करने नहीं आई, मैं बड़ी खुश हूँ. मैं कहनी है मैं तो शुक्र मनानी है कि मैं महाभारत के एरा में पैदा नहीं होगी, जहाँ ज़्यादा पाठ पूजा कर लेती तो गलती से मुझे एक के साथ चार पति फ्री भी मिल सकते हैं. है ना, नहीं मेरे से तो यहाँ एक नहीं संभल रहा, वो देवी जी ने पांच संभाले एक साथ. एंड देन द वर्ल्ड ब्लेम्स ऑफ अ महाभारत. अभी महाभारत तो होनी थी, कोई आसान काम है कि पांच पतियों को पाल पोस कर बूढ़ा करना? नॉट एन ईजी जॉब. अभी तो शुक्र है सास एक ही थी, नहीं तो हो जाना तो अलग ही एक गेम ऑफ थ्रोन्स. हाँ ये सास वाले जोक पे ना, वैसे मैरिड जनानियां आज कम है, लेकिन सास वाले जोक पे जनानियां बड़ी टूट के हंसती हैं. हंसती नहीं है मैडम, है रूह नु शांति पैगी है सास ते जोक मारता है. सास ना होगी, सास ना होगी बेचारी विलन ही होगी. देखो वैसे आजकल तो सासें बड़ी स्वीट हैं, आजकल तो बहुएं कमोलिका बनी हुई हैं. ये आप सब मुझे काफी फ्यूचर कमोलिका वाली लग रही हैं. सास बेचारी कह दे कि बहू मैं सुबह 6 बजे चाय पीती हूँ, बहू ने छाल मार के कहना मम्मी जी मैं तो 9:30 बजे पीती हूँ और मेरी चाय में ना दूध मत डालना बिकॉज़ आई एम ऑन अ वीकेंड डाइट. वैसे मुझे जज मत करना और ना मेरी सास को, बड़ी स्वीट है वो बिल्कुल मेरे जैसी. बता रही हूँ देखो स्वीट ही हूँ तभी ऐसी बहू को टॉलरेट कर रही हूँ. और मैं कहती हूँ देखो प्यार से रिश्ता मेंटेन करके अच्छा रखना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनका आशीर्वाद, उनका आम का अचार, उनका सरसों का साग, उनका 4 करोड़ का मकान है. सो बट थैंकफुली महाभारत के बाद भगवान लर्न्ड हिज लेसन एंड इमीडिएटली उन्होंने मुफ्त में पति बांटने बंद कर दिए. मैं कहनी शुक्र है रब का कि रब नू एनलाइट माइंड आई तो ऐसी जनानियां बच गई, क्योंकि जनानियों का तो आपको पता है मुफ्त में मिल रहा धनिया मिर्ची तो हमसे छोड़ा नहीं जाता. हमने पति कहां से छोड़ना था, हमने कहना था कहीं रख लेते कहीं तो काम आई जाएगा, एक आधे को ड्राइवर ही बना लेंगे. मगर मैरिड वेमेन इन द हाउस, सोचो कि फिर हमारा लॉकडाउन में क्या हाल होता. ओहो हो लॉकडाउन में तो ना मैंने एक ही बात सीखी है कि पति जो है ना वो आते जाते ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि
कि घर बैठा पति ना बाय गॉड दो सासों के बराबर होता है, उनके अंदर की माता जाग जाती है। चलो बहुत होगी मेरे सास के लाडले की बातें, अब अपने लाडलों की बातें करते हैं। सो मैरिड पीपल डू यू हैव चिल्ड्रन एनी? या या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बच्चे किसको नहीं प्यारे होते, किसको नहीं प्यारे होते? मुझे बिल्कुल नहीं प्यारे, मुझे कभी बच्चे नहीं प्यारे होते, मतलब मुझे कभी नहीं होता था कि हाय दूसरों के बच्चे हाय सो स्वीट ये वो ये, मेरे को नहीं होता, आई वाज मोर ऑफ अ बिच। तो आई मीन लाइक कुत्तों के बच्चे प्यारे थे, यू नो लाइक पपीज मैं बता रही हूँ, तो ऐसे ही था मतलब। चलो लेकिन अपने बच्चे जब होते हैं तो फीलिंग्स चेंज, योर फीलिंग्स चेंज, तो नाउ आई हेट देम, यू नो, बिकॉज आई एम कन्विंस कि बोथ माई चिल्ड्रन वर बॉर्न विद ओनली वन पर्पस, टू सक माई ब्लड। यू नो हूएवर सेड बच्चे भगवान का रूप होते हैं मस्ट बी ऑब्वियसली एन एथीस्ट, बिकॉज किड्स दिस इज अ क्लियरली बॉर्न विद एन एटीट्यूड। द अदर डे आई वॉक्ड इनटू माई टीनेज डॉटर्स रूम एंड शी इज लाइक मामा यू शुड नॉक बिफोर यू एंटर बिकॉज यू शुड रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी। आई सेड डार्लिंग यू स्क्रूड माई प्राइवेसी द डे यू एंटर्ड दिस वर्ल्ड थ्रू माई प्राइवेट स्पेस। कमरे में चिप्स के पैकेट तो छुपाने आते नहीं इनको, जिंदगी के राज छुपाने चले हैं। बट नाजुक बड़े हैं आजकल बच्चे, उनको ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, दिल ना होगा इनके बोरोसिल के ग्लास हो गए टूटते रहते हैं। एंड आई वाज टेलिंग दिस टू माय डैड द अदर डे एंड ही इज लाइक दो चपेड़ा लाकर, ऐसे पापा ऐसे नहीं होता, आजकल बच्चे बड़े सेंसिटिव है, थप्पड़ दो दूर उनको डांट ही नहीं सकते आप। तो मेरे पापा कहते बेटा सेंसिटिविटी होती है दांतों के लिए और छित्तर होते हैं न्याणों के लिए, और इसका नमूना मेरे सामने खड़ा है। पर बच्चों को समझाओ भी तो कैसे समझाओ आजकल, क्योंकि बातें वो करते नहीं और लिखना उन्हें आता नहीं। मैं तो कमरे होगी ना, तो टेक्स्ट ना ही डिसाइफर कर करके है, तो इतने महंगे महंगे स्कूलों पर डाला इनको, बेचारे वापस ABCD पे आ गए, अंगूठा छाप ही बन गए हैं, ऊपर से माँ बाप इनको कोडिंग सिखा रहे हैं। मैं कह रही हूँ क्लासिक तो डी कोडिंग सिखा दो सानू कोई। देखो हमारे जमाने में तो शॉर्ट फॉर्म के नाम पर एक जीके होता था, और जिसकी जीके अच्छी होती थी उसको बाकी शॉर्ट फॉर्म पता होता था, राइट? और आजकल IDK DK AFK JFK के 10 के आगे ओ लानू भी लानू मौत पैंदी है। और दूसरा नया स्यापा जो आजकल शुरू हो गया इंस्टाग्राम है, कमरे से बाहर निकलते नहीं है, इंस्टाग्राम पता नहीं की कसुंड पाई है। सो आई ट्राई टू सी माय डॉटर एंड आई ट्राई टू फॉलो हर, मैंने कहा पता मैं भी देखा की कर दी, सो शी ब्लॉक्ड मी। मैंने कहा तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया? कहती यहां तो मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे बेटा गल सुन, बिल्कुल प्योर ब्रीड की मदर इंडिया हूं मैं, पीछा तो मैं तेरा सपनों में भी नहीं छोड़ने वाली, तू कर ले मुझे ब्लॉक कोई ना, लेकिन मैंने भी ये बाल लॉरियल का हेयर कलर लगा के सफेद नहीं करे, जट्टी हूं मैं जलंधर की, आई डोंट नीड इंस्टाग्राम टू फॉलो यू। कॉलेज के बाहर कोई लड़का 4 बार गेड़ी लगा जाए, बाय गॉड बजाज चेतक को साइड किक मार के 4th गियर पे फुल स्पीड चला के उसको तब तक फॉलो करती थी जब तक पंजाब पुलिस उसे ब्लॉक ना करे। और ये जो तुम अपने 1K 10K फॉलोअर्स पे इतराते फिरते हो ना बेटा, लेट मी टेल यू, इससे कहीं ज्यादा लाइक्स कमेंट्स और फॉलोअर्स तो हमें मॉडल टाउन में गोलगप्पे खाते खाते मिल जाते थे। लाइक ब्लॉक करेगी मेरे को, इनको लगता है सीधा मान पैदा हुए थे। तुम्हारी माँ दी